हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नए डिजाइन कैसे बनाए वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए, मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिया। जो ये हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हम टी साइज में बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये ब्लाउज कट कर लिया और लाइनिंग भी कट कर ली हमने। और देखिये, हमने ये कुछ इस तरह से पट्टियां तैयार की है, इस तरह से फ्लावर छोटे छोटे। तो मैं आपको बता देती हूँ हमने किस तरह से तैयार किए। हमने ये पट्टी ली है, ये हमारी नेट है। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे राउंड शेप में। देखिए इस तरह से, और यहाँ सेम कलर के धागे से हम लॉक कर देंगे। तो मैंने ये सारे तैयार किए, तो अभी इसको हम साइड में रखेंगे और जो हम नेक कट करेंगे वो लाइनिंग पे कट करेंगे। तो ब्लाउज भी साइड में रखेंगे। देखिए, हमारा थोड़ा लाइनिंग कम था तो हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। आपका पूरा हो तो आप पूरा लीजिए। तो यहाँ शोल्डर से 3 इंच, इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 9.5 इंच लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। नीचे हम ब्लाउज रखेंगे सीधा ऐसे, और इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे। अब देखिए इस तरह से, और पूरा पिन से सेट कर लेंगे नेक, और नेक पे सिलाई करेंगे और नीचे भी सिलाई करेंगे। फिर बीच वाला कट करके साइड से पलट देंगे इसे हम। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई कर लिया और पलट भी लिया है। अब इसके ऊपर भी हम सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई कर दी ऊपर नीचे। इसको भी हम साइड में रखेंगे। तो अब देखिए, हमने ये क्रॉस में पट्टी कट की है 1.5 इंच की। इसे हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से, और इस तरह से हम ये पट्टी तैयार कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने दोनों पट्टी तैयार कर ली है। ऐसे हमें करना क्या है, जो ये पट्टियां हमने तैयार की है इस तरह से लगाएंगे इस किनारे पे और इस किनारे पे भी।
देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से लगा दिए फ्लावर। अब जो हमारा अंदर एक्स्ट्रा है हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अब से हम इस साइड भी लगाएंगे बिल्कुल सामने सामने इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने ये पट्टियां तैयार कर ली हैं। दो हमने सेम पट्टी तैयार की है और एक में हमने इसे तीन ही लगाया इस तरह से छोटी सी पट्टी। तो हम इसे ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो अब मैं बताऊंगी किस तरह से इसे लगाना है। तो देखिए जो बड़ी वाली पट्टी है वो हमारी इस तरह से आर्म होल पे इस तरह से आएगी। तो देखिए देखिए इस तरह से दोनों साइड हम सिलाई करेंगे और बीच में भी। देखिए इस तरह से अब यहां पे भी सिलाई करेंगे और नीचे भी सिलाई करेंगे हम। देखिए हमने पूरे में सिलाई कर दी, इस साइड भी सिलाई कर दी, इस साइड भी और नीचे भी हमने सिलाई कर दी। तो आप